कल 29 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिमन्यु सिंह जी राजवी वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी में पधारे। इस अवसर पर एकेडमी के डायरेक्टर वीरू फौजी और रविंद्र शेखावत ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। आपको बता दें, अभिमन्यु सिंह जी राजवी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के उपराष्ट्रपति रहे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के दोहिते हैं। इस अवसर पर युवा नेता राजवी ने अकेडमी में सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण ले रहे लड़कों का उत्साहवर्धन इन शब्दों में किया। लेकिन ये जो जगह है सीकर और चूरू झुंझुनू, ये 3 जगह के खेतों में शायद अनाज नहीं उगता, लेकिन यहाँ पे योद्धा वॉरियर उगता है। आप लोग बिल्कुल सही जगह ट्रेनिंग में आए हो और आज वीरू भाई का नाम हम जहाँ जाते हैं, कई बार कई साउथ में भी गए हैं या जहाँ भी गए हैं, लोग कहते हैं आपके राजस्थान में एक वीरू फौजी हमने सुना है। ये हमारे भाई ने अपना यह नाम करा और ये बिल्कुल आप लोग सब सही जगह आए हो। अपने घर से भी दूर हो, फैमिली से भी दूर हो, बहुत नई जगह में आके आप लोग भले ही परेशान हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो और जिस मिशन से आए हो ना आप, वो 100% कंप्लीट होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप सही बंदे के साथ हो। और एक मुझे पता है आप सबको एक टेंशन है, स्पेशली जिनकी थोड़ा सा एज वाले जो जिनकी बढ़ चुकी है उनको टेंशन है। अभी भाई मैं लोग यहाँ कोई मेरे को राजनीति नहीं करनी, बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं करनी, इतना सा कहना है कि हम लोग बीजेपी के लोग हैं, हमारे यहाँ बात चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और अभी एक वीरू भाई ने और बात बताई है, इसको हम और अच्छे से रखेंगे कि इस बार जब भी भर्ती आपकी खुले तो 2 साल का एज का जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, 2 साल एज बढ़ा के ही खुले, ताकि जो 2 साल से भर्ती नहीं हुई ना उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। हम लोग अब बात रखेंगे और हमें इतना पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना मोदी जी, उन पर इतना विश्वास है कि हम उनके बीजेपी के कार्यकर्ता उनको कोई बात कहेंगे तो हमारी बात सुनते हैं और बात मानते हैं। तो आपकी बात हम भाई वहाँ पहुँचाएंगे और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, जब भी आप लोग यहाँ से आगे जाओ, फौज में जाओ, जिधर भी आपकी पोस्टिंग हो, जब भी आपके सामने कोई आके विदेश की कोई ताकत खड़ी हो ना, तो उसको पता चल जाना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग सीकर में ली थी, बस उसको ऐसा पता चल जाना चाहिए। और माता जी महाराज का आशीर्वाद आपके साथ में रहे भाइयों हमेशा, कभी भी कोई पंगा वैसे तो आना नहीं चाहिए लाइफ में, कभी जरूरत पड़े डॉक्टर की, नेता की, वकील की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पड़े तो आपका भाई अभिमन्यु सिंह राजवी फेसबुक पे चेक कर लेना, मैसेज डाल देना। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।